कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कैथल पुलिस का सख्त पहरा आज देखने को मिल रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसे देखते हुए पुलिस की बॉर्डर पर तैनाती की गई है। कैथल से हमारे संवाददाता बबल कुमार की रिपोर्ट। बॉर्डर पे अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। यहाँ पे नाका लगा दिया गया है और प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। अगर बॉर्डर के उस पार से अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठे होते हैं और हरियाणा में घुसकर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम बॉर्डर पे ही रोक लेंगे। और हमारी पूरी तैयारी है, फोर्स भी आ चुकी है, फोर्स डिप्लॉयड है और नाके तैयार हैं, ड्यूटी में स्टेट। तो मेरी भी चेतावनी है कि ना आए इधर, ठीक है, क्योंकि अगर इधर घुसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो हम समुचित बल का प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। आपसे किस तरह का सहयोग मिल रहा है हरियाणा पुलिस को? पंजाब से हर तरह का सहयोग, जैसा है जैसे सहयोग की ज़रूरत होगी वैसा मांगेंगे। अभी हमें ऐसा कुछ सहयोग की ज़रूरत है भी नहीं। हम हरियाणा जो है अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है और हम जैसा मैंने बताया कि हर सिचुएशन को हैंडल करने को हम तैयार हैं। तो सर पंजाब से पूछे, मैं तो यहाँ पे हरियाणा की बात करूँगा।